पीपल, दिस इज साकेत, आई वेलकम इन माई व्लॉग। सो राइट नाउ आई एम व्लॉगिंग विद GoPro 9 ब्लैक। तो कैसा वीडियोस आ रहा है, कैसा शूट हो रहा है, थोड़ा कमेंट बॉक्स में प्लीज़ आप बता देना, मेंशन कर देना। तो आज दिल्ली में है, और आपने अगर ट्रैवलिंग व्लॉग मेरा नहीं देखा होगा सासाराम टू न्यू दिल्ली तो देख लेना। और आज से दिल्ली एक्सप्लोर करने वाला हूँ मैं। तो आज तो मैं अभी घर पे हूँ और बहन लोगों के साथ मस्ती वस्ती कर रहा हूँ, और आज ड्रोन उड़ाएंगे, बहुत कुछ करेंगे घर से ही, तो एक्सप्लोर करूँगा। सो बड़ों को नमस्कार, छोटों को प्यार। तो चलिए अपने व्लॉग को शुरू करते हैं यार। मैं दिल्ली को एक्सप्लोर करने वाला हूँ और मेरा फ्रेंड भी मेरे साथ रहने वाला है, तो जो भी होगा, जैसा भी होगा, बड़ा ही धमाल होगा, तो देखना। सो राइट नाउ आई एम इन दी हाउस, और अभी हमको मेरी बहन एनी फर्स्ट टाइम चाय बना रही है और पिलाएगी। सो आज फर्स्ट टाइम एनी चाय बनाएगी और हमको चाय पिलाएगी, तो हम देखते हैं कैसा चाय बनाती है एनी, बिकॉज इसका आज फर्स्ट टाइम है। सो देखते हैं। अभी पी के बताते आपको, तो टेस्ट बड़ा ही मस्त है, फर्स्ट टाइम इतना अच्छा बनाई है नहीं, तो सब बहुत सही है सारा। और बताते अभी आगे जो भी होगा आपको। तो अभी मैं टेरेस पर हूँ और बहुत ज़्यादा धूप है दिल्ली में, और ये रही मेरी बहनें दोनों। तो ये है एनी और ये है किट्टू, हेलो करो। हाय गाइस, तो आज कैसी लग रही हूँ कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और एनी का हेयर कट हुआ है तो बता देना एनी कैसी लग रही है। और आज एनी ने हमको चाय पिलाया है, तो बहुत ही अच्छा बनाया था एनी ने, फर्स्ट टाइम बनाया था तो इतना अच्छा सही बनाया था, सही है। तो मेरे ठीक पीछे मेट्रो स्टेशन है, तो यहाँ से अभी मेट्रो ट्रेन भी जाएगा, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, बस थोड़ी ही देर में आएगा, देखना। हर एक एक मिनट पे यहाँ से पास आउट होता है मेट्रो, तो देखना अभी। और अभी तक जिसने भी मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है वो फॉलो कर लेना। मेरा दो अकाउंट है, एक YouTube का ऑफिशियली साकेत ब्लॉगर के नाम से अकाउंट है, वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, और एक मेरा पर्सनल प्राइवेट अकाउंट है, उसका भी लिंक दे दूंगा। तो गाइस प्लीज़ फॉलो मी ऑन इंस्टा। तो अब हमारा दोस्त आ चुका था और हम निकल चुके थे। सो गाइस अभी हम हैं मेट्रो स्टेशन पर, मेट्रो का वेट कर रहे हैं, और अभी मेट्रो आएगा तो फिर हम निकलेंगे मंडी हाउस के लिए। अभी हमारा मेट्रो आने वाला है और हम निकलने वाले हैं बहुत ही जल्दी, और मैं और राज अभी साथ में हैं, और मेट्रो आ चुका है। अरे मेट्रो भी खाली ही रहेगा, और मेट्रो खाली है, फिर हम इसके अंदर जा रहे हैं। सो राइट नाउ वी आर इन मेट्रो, और अभी हम हमारे डेस्टिनेशन के लिए निकल रहे हैं। My mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. तो अभी दूसरी मेट्रो हमारी इधर से क्रॉस हो रही है, और हम पूरा फील ले रहे हैं आज मेट्रो का, और ये देख लो। So
सो फाइनली वी रीच टू आवर डेस्टिनेशन मंडी हाउस. सो फाइनली हम हमारे डेस्टिनेशन पर पहुंच चुके हैं और अभी यहां से हार्डली 3 or 4 kilometers हमको वॉकिंग डिस्टेंस पे हमारा मेन डेस्टिनेशन है जो हम आपको एक्सप्लोर करने के लिए इतना दूर आए हैं. तो चलिए चलते हैं. सो अभी यहां से हम या तो ऑटो से जाएंगे या फिर देखो जो मिल जाए उससे ही चले जाएंगे. 3 or 4 kilometers के डिस्टेंस पे हमारा डेस्टिनेशन. और बहुत जल्द इस चीज़ को भी हम एक्सप्लोर करेंगे कुतुब मीनार को. तो अभी हम दिल्ली स्ट्रीट्स का मज़ा ले रहे हैं, घूम रहे हैं और बहुत जल्दी हम आपको मिलेंगे हमारे डेस्टिनेशन पर. अभी हम यहाँ से ऑटो पकड़ लिए हैं और जा रहे हैं इंडिया गेट. तो बस 5 minutes में आपको हम अपने डेस्टिनेशन पे मिलेंगे, फाइनल डेस्टिनेशन पे. तो अभी हम ऑटो से उतर चुके हैं और वॉकिंग डिस्टेंस कुछ 100 meters है तो जा रहे हैं. और यहाँ पर रश देख लो कितना ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा रश है बिकॉज कोविड के बाद हर एक चीज़ खुला है तो रश तो होना ही था. पब्लिक हर जगह एक्सप्लोर करने के लिए आ रही है. तो अभी हम लोग आए हैं इंडिया गेट पर, इंडिया गेट को एक्सप्लोर करने के लिए. और यहाँ पर अभी हम आपको दिखाएंगे हर एक चीज़. और बहुत ही ज़्यादा ह्यूज रश है यहाँ पर, पब्लिक बहुत ज़्यादा दिख रही है. साकेत जी यहाँ ब्लॉगिंग करते हुए और हम यहाँ ब्लॉगिंग करते हुए और साथ में अपना सासाराम का फ्रेंड राज है. तो ये रहा इंडिया गेट और अभी कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं कि उसके पास नहीं जा सकते हो आप. बट 100 meters के डिस्टेंस से, 100 meters भी नहीं है, 60 or 50 meters कुछ है, वहाँ से आप वीडियोस फ़ोटोज़ ले सकते हो. तो ये चीज़ सही है और कुछ कोविड के प्रिकॉशंस के लिए होगा ये चीज़. तो कोई नहीं, हम यहाँ से आपको एक्सप्लोर करेंगे. तो अभी हम आए थे आपको इंडिया गेट एक्सप्लोर करने के लिए बट अनफॉर्चुनेटली रेस्ट्रिक्शंस है वहाँ पे जाने के लिए. तो राज ब्रो कैसा लग रहा है घूमने में? पूरा कूल लग रहा है ना? अबे शर्माया मत कर, कैमरे को फेस करना सीख. तो मज़ा आ रहा है नाइट में घूमने का और ये फील लेने का, नाइट का फील. सो आवर सेकेंड डेस्टिनेशन इज नेशनल वॉर मेमोरियल. तो अभी इस जगह को भी हम एक्सप्लोर करेंगे. इंडिया गेट बंद है और ये चालू है तो अभी हम अंदर जाएंगे और पूरा एक्सप्लोर करेंगे. चलो चलते हैं. और अभी यहाँ पे सिक्योरिटी चेकिंग. यहाँ पे छोटा सा फाउंटेन भी है तो अभी इसको भी मैं अच्छे से आपको स्लोमो में दिखाता हूँ. तो अभी हम घूम रहे हैं वॉर मेमोरियल पे. यहाँ पर थोड़े लाइट्स कम है, मेरे को पता नहीं गोप्रो जस्टिस कर रहा होगा या नहीं कर रहा होगा, बट जो भी है आपको मैं थोड़ा पास से दिखाने का ट्राई करूँगा ये चीज़ को. तो ये वो प्लेस है जो हमारे हिस्ट्रिकल वॉर हुए थे और जो हमारे शहीद जवान हैं उनको यहाँ पर श्रद्धांजलि दिया गया था. तो ये तो सारे नेम प्लेट है जो शहीद हुए हमारे देश के लिए. Yeah.
this right here deserves a toast, yeah. A lot of people back home. तो मैं बता नहीं सकता कि कितने लोग हमारे देश के लिए शहीद हुए हैं, क्योंकि एकदम कंटिन्यू ये पूरा राउंड ही है नेम प्लेट के साथ। बट अभी हम आपको एकदम सही जगह पे लेके जाएंगे। सो ये वो प्लेस है जो अमर जवानों के लिए श्रद्धांजलि के लिए दीपक जलते रहता है। तो आपको दिख रहा होगा, मैं जूम करके दिखाता हूँ, ये 24 घंटे जलते रहता है और कभी बंद नहीं होता ये चीज़। तो ये रहा सामने अपना इंडिया गेट और ये पीछे में नेशनल वॉर मेमोरियल। दोनों 50-60 मीटर के डिस्टेंस पे है दोनों चीज़। आप इंडिया गेट आ गए तो दोनों आप घूम सकते हो। सो राइट नाउ अभी हम यहाँ से एग्जिट कर रहे हैं और आगे देखते हैं, जो भी एक्सप्लोर करने के लिए मिलेगा वो हम आपको एक्सप्लोर करेंगे। बट दिस टाइम वी आर एग्जिट फ्रॉम हियर। चलो चलते। सो जहाँ लाइट्स रहनी चाहिए थी वहाँ पर तो थी नहीं, बट यहाँ से एग्जिट कर रहे तो लाइट ही लाइट मिला हमको। कोई नहीं, चल भाई चल चल चल। So, जो LOC का अटैक हुआ था उसका ये है, देख लो कहाँ कहाँ अटैक हुआ था, क्या क्या हुआ था। सो जिसने भी यहाँ तक ब्लॉग देख लिया है, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। सो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।